अगर आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी को यूज़ करके, तब तो ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आ जाता है जब आधार नंबर, वर्चुअल आईडी कुछ भी अपने पास मौजूद नहीं रहता है, तब आपको जो है एनरोलमेंट आईडी को इस्तेमाल करके आधार कार्ड डाउनलोड करना पड़ता है। और उसी एनरोलमेंट आईडी को नया तरीके से कैसे इंटर करके उराई का नया वेब पोर्टल से आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड करोगे, वो जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसको नहीं मालूम होने से आप अपना या फिर किसी का भी आधार कार्ड उराई का इस नया वेब पोर्टल से डाउनलोड कर नहीं पाओगे। अगर आपको इस अपडेट के बारे में पता नहीं है तो आपको जो है शुरू से लेके अंत तक वीडियो पे बने रहना चाहिए बगैर स्किप किए, क्योंकि आज इस वीडियो पर मैं उसी अपडेट को बताते हुए आधार कार्ड डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल संजीव। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल टू नेवर मिस एन अपडेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया वेब पोर्टल पर चले आना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिए हैं। इस नया पोर्टल पर आके आपको जो है थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है, जहां पर डाउनलोड आधार बोल के एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसके ऊपर आपको जो है टैप कर देना है। टैप करते ही एक नया पेज आ जाएगा जहां पर आपको 12 डिजिट का आधार नंबर या फिर 16 डिजिट वाला वर्चुअल आईडी और नहीं तो 28 डिजिट वाला एनरोलमेंट आईडी को एंटर करना होगा। 12 डिजिट वाला आधार नंबर और 16 डिजिट वाला वर्चुअल आईडी एंटर करके अपना आधार को डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर आप 28 डिजिट वाला एनरोलमेंट आईडी को एंटर करके अपना आधार को डाउनलोड करना चाहते हो उराई का इस नया वेब पोर्टल से, तब आपको जो है एक एरर मैसेज देखने को मिलेगा और आप आधार को डाउनलोड कर नहीं पाओगे। तो चलिए देख लेते हैं कि 28 डिजिट वाला एनरोलमेंट आईडी को एंटर करके अपना आधार को डाउनलोड करते समय क्या प्रॉब्लम होता है। इससे पहले आपको एनरोलमेंट आईडी क्या होता है वो अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। एनरोलमेंट आईडी और ईआईडी को एनरोलमेंट और अपडेट एक्नॉलेजमेंट स्लिप के ऊपर दिखाई देता है, जो कुल मिला के 28 डिजिट का होता है, जिसमें 14 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर और 14 डिजिट का डेट एंड टाइम ऑफ एनरोलमेंट रहता है। अब चलिए इस एनरोलमेंट आईडी को एंटर करने के लिए एनरोलमेंट आईडी का रेडियो बटन को सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर एनरोलमेंट आईडी का जगह पर एनरोलमेंट आईडी यानी पहले 14 डिजिट वाला एनरोलमेंट नंबर और उसके बाद 14 डिजिट वाला डेट एंड टाइम को एंटर कर देते हैं और दिखाए गए कैप्चा को एंटर कैप्चा की फील्ड पर एंटर करके सेंड ओटीपी पर टैप कर देते हैं। टैप करते ही ये देखिए एक एरर मैसेज ऊपर दिखाई दे रहा है, जो बोल रहा है कि आपका प्रोवाइड किए गए एनरोलमेंट आईडी इनवैलिड है और उसको फिर से ठीक तरह से चेक करके और एक बार ट्राई कर लेना है। तो चलिए इस एनरोलमेंट आईडी को मिटा देते हैं और अब नया तरीके से इसी एनरोलमेंट आईडी को एंटर कर लेते हैं, जो कि इस वीडियो का खास अपडेट है। उराई का इस नया पोर्टल पर आपको जो है 14 डिजिट वाला एनरोलमेंट आईडी को पहले की तरह ही बैठाना होगा और डेट एंड टाइम की जगह पर टाइम को एक ही तरह से बैठाना होगा उसका फॉर्मेट की अनुसार। लेकिन डेट का जो फॉर्मेट है वो ठीक नहीं है, बल्कि उसको एकदम रिवर्स यानी उलट देना होगा, यानी दिन की जगह पर ईयर मंथ सेम रहेगा और ईयर की जगह पर दिन को बैठा देना होगा, तब जाके ये एनरोलमेंट आईडी सही होगा। तो अब चलिए इस नया तरीके से एनरोलमेंट आईडी को एंटर करके देख लेते हैं कि वो ठीक तरह से काम करता है कि नहीं। नाउ आई हैव टू एंटर 28 डिजिट एनरोलमेंट आईडी ठीक उसी तरह से जिस तरह से मैंने अभी अभी कहा है, यानी और सब ठीक रख के
दिन के जगह पर यार, महीना के जगह पर महीना और यार के जगह पर दिन बैठाना होगा। उसके बाद आपको जो है दिए गए कैप्चा को एंटर करके सेंड ओटीपी पर टैप कर देना है। अब टैप करते ही ये देखिए दिस ओटीपी सक्सेसफुली आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड किए गए हैं, जो पहले हो नहीं रहा था। तो अब आपको जो है ओटीपी को एंटर करके वेरीफाई एंड डाउनलोड पर टैप कर देना है। टैप करते ही ये देखिए आधार डाउनलोड होना शुरू हो गए हैं और ये देखिए डाउनलोड भी हो चुके हैं और उराई की तरफ से आपको कंग्रेचुलेशंस भी कह जा रहा है बिकॉज योर आधार कार्ड हैज बीन सक्सेसफुली डाउनलोडेड। इसके अलावा जैसे कि आप जानते ही होंगे टू ओपन दिस पीडीएफ फाइल यू हैव टू एंटर 8 कैरेक्टर लॉन्ग पासवर्ड बिकॉज दिस आधार लेटर इन पीडीएफ फॉर्मेट इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ आधार होल्डर्स नेम इन कैपिटल फॉलोड बाय ईयर ऑफ बर्थ। अब चलिए डाउनलोड किए गए इस आधार कार्ड को एक बार ओपन करके देख लेते हैं। पीडीएफ फाइल को डबल क्लिक करते ही ये देखिए ये पासवर्ड मांग रहा है। अभी आपको जो है पासवर्ड एंटर करके ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये देखिए अभी डाउनलोड किए गए आधार कार्ड खुल के आपके सामने आ गए हैं। तो ऐसा करके आप भी उराई का इस नया वेब पोर्टल से नया तरीके से एनरोलमेंट आईडी को एंटर करके अपना आधार कार्ड आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और उसी के साथ जितना हो सके शेयर भी कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी पता चले इसके बारे में। बिसाइड्स दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हर नया वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।